रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइज। और कैसे हो आप लोग? तो मेरे हिसाब से सब बढ़िया हो गया। तो गाइज, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला वीडियो है कि क्या है कि हमारा जो फ्री फायर है उधर जो इलाइट पास होता है जो हर सीजन सारे बंदे लेते हैं, तो आज उसको भी बैन कर दिया। फ्री फायर में और गैस कैसे बयान किया और क्यों बयान किया आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गैस मेरे ऊपर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। और गैस जो बंदा अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके शेयर करने के लिए मत भूलना गैस। और गैस जो भी बंदा चाहते हो हमारे साथ इंस्टा में रहने के लिए, क्योंकि इंस्टा में हम अपकमिंग वीडियो के बारे में बात करते हैं क्या आएगा और क्या चल रहा है अभी हमारे साथ, तो गैस जल्दी जाके इंस्टा में हमको फॉलो भी एक बार कर देना। और गैस चलिए बिना किसी बकचोद करके हमारा वीडियो को आगे लेते हैं और वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, टॉपिक में आते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हेलो गैज, फिर से वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और गैज मैं पहले टॉपिक में आते हो अभी पूरा। और गैज पहले आपको पता होगा कि प्ले स्टोर में और फ्री फायर ही नहीं है, और फ्री फायर नाम का चीज़ भी नहीं है जो गरीना ने हटा दिया है। और गैज क्या चल रहा है मेरे को कुछ पता नहीं है, बट बंदे के हिसाब से जो हम मतलब सारे यूट्यूबर ने बोलते हैं, सारा हमारे यूट्यूबर भाई लोग ने बोलते हैं कि मार्च 9 तारीख में सुनाई होगा कि फ्री फायर रहेगा ना पूरा कट जाएगा। तो गाइस मैं तो दुआ करता हूँ गॉड से कि फ्री फायर फिर से वापस आ जाए, क्योंकि कितना बंदा का इमोशन था ये, मतलब इमोशन से बंदे लोग खेलते अभी गरीना फ्री फायर वाले ने। और गाइस क्या बोलूँ यार, सारे बंदा इतना पैसा खर्च किया हमारा एक एक आईडी में, मिनिमम तो 50,000 से आसपास खर्च हुआ है सब सबका। तो गाइज पहले आप दुआ करो कि बंदे भगवान से कि हमारा फ्री फायर फिर से वापस आ जाए 9 तारीख में, सब कुछ सही हो जाए। और गाइज मैं अभी हम बात करने वाले हैं अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में। तो पहले गाइज हम जल्दी देखते हैं कि फ्री फायर में क्या हुआ है, और जिसके पास फ्री फायर है, मेरे पास तो है अभी तक मेरे डिवाइस में। और गाइज चलिए अब देखते हैं फ्री फायर में क्या हो रहा है, और फ्री फायर में जिस जिनके पास है उनका क्या ही प्रॉब्लम दिख रहा है। तो चलिए गाइज अभी देखते हैं। तो गाइज आप भी देख सकते हो अभी हम नॉर्मल फ्री फायर में हैं, और गाइज नॉर्मल फ्री फायर में क्या ही चल रहा है चलो देखते हैं, और नॉर्मल फ्री फायर में क्या ही नहीं चल रहा है चलो देखते हैं। पहले गेम को ओपन करते हैं, और गाइज फाइनली हमारा गेम भी ओपन हो गया है यहाँ से। और गाइज गेम ओपन होने के बाद देखो कितना स्लो चल रहा है, मतलब सब कुछ स्लो चल रहा है, क्योंकि हमारे पास भी अच्छा खासा नेटवर्क है और एयरटेल नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ भी देखो कितना स्लो हो रहा है सब कुछ, मतलब प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और गैज क्या बताऊँ अभी चलो गैज देखते हैं, आपको पहले एक सिंपल सी बात दिखाता हूँ। अभी सब कुछ ऐसे ही सीन में आ रहे हैं, जैसे कि बिलियन का सिंबल दिखा रहा है, जैसे कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है इधर। और गैज इधर आप भी और एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि गैज आप अभी देख सको टॉपअप में भी बिलियन हो गया है, मतलब सारा कुछ चेंज हो गया है, मतलब हम टॉपअप किससे करेंगे गैज, देखो सारा चीज़ मतलब बिलियन में आता है, कभी भी इंडियन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ये। और गैस इसी हिसाब से तो हम टॉपअप भी नहीं कर सकते। और गैस आप भी देख सकते हो कि हमारे पास कितना 250 डायमंड है, और गैस इसी दिन का इलाइट पास भी हमने ले लिया, आप प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, और प्रोफाइल में भी आप देख सकते हो हमारे पास इलाइट पास नहीं है। और गैस फ्री फायर इलाइट पास की बात किया तो इतना अच्छा वाला इमोट की हमने नहीं ले पाया, और उसके साथ गाइज इतना ओपी बंडल भी नहीं ले पाया, जो भी बोलो गाइज बंडल तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस वाला इलाइट पास। और गाइज इसलिए मेरा 80 लेवल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम EXP कार भी खरीद नहीं पा रहे। तो गाइज इसके साथ हम इलाइट पास भी नहीं ले पाएंगे, जो भी सारा सीजन हम इतना मेहनत करके इलाइट पास लेके मेरा प्रोफाइल का अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बना दिया था मैं मेरा प्रोफाइल का। तो गाइज क्या करेंगे आप खुद से बता दो। और गाइज टॉपअप तो नहीं होगा, और आप भी देख रहे हो आपके सामने फिर से दिखा रहा हूँ ऐसे सीन आ रहा है अभी फ्री फायर में। और गाइज ये भी मैक्स में भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बंदे का मार्क्स में भी ऐसा चल रहा है सिचुएशन। और गाइज आप भी बताओ अभी क्या करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से गाइज तो आप कोई टॉपअप मत करना जब भी हमारा फ्री फायर वापस नहीं आ सकता है, और कोई भी मतलब कुछ मतलब सही वाला न्यूज़ आ जाए तो तभी तुम टॉपअप करो और ऐश करो, फिर से गेम से एंजॉय करो। और गाइज अभी चलिए देखते हो अभी कैसे आप टॉपअप करोगे, और कैसे आप मतलब ले पाओगे इलाइट पास। तो मेरे हिसाब से आपके पास भी एक ट्रिक है, और गाइज चलिए अभी देखते हैं कौन सा ट्रिक है।
तो गाइज आप खुश देख लिया कि फ्री फायर में क्या ही मतलब ग्लिच चल रहा है और हमारा इंडियन रुपीज भी नहीं हो रहा है, उसके साथ हम टॉपअप भी नहीं कर पा रहे। और गाइज चलिए अभी देखते हैं अभी हम कैसे टॉपअप करेंगे और गाइज कैसे हम इलाइट पास ले पाएंगे, उसका भी मेरे हिसाब से एक ट्रिक बताऊंगा आपको। तो ट्रिक देखने के लिए गाइज वीडियो को लास्ट तक देखना, और गाइज वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो जरूर एक बार लाइक करके शेयर भी मार देना। तो चलिए गाइज अभी देखते हमारा मतलब कैसे अभी इलाइट पास लेंगे और उसके साथ टॉपअप भी करेंगे, मैं आपको खुद दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइज आपको टॉपअप करने के लिए और गाइज आपको ऐसे अच्छा अच्छा चीज़ लेने के लिए जितने भी फ्री फायर में इवेंट आ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस फ्री फायर मैक्स में आना है। और गाइज आप भी देख सकते हो फाइनली हम फ्री फायर मैक्स में अभी है और हमारा आईडी भी लॉगिन हो गया। और गाइज पहले चलो देखते हैं और फ्री फायर मैक्स में क्या कर सकते हो हम। और गाइज आप फ्री फायर मैक्स में जैसे आओगे आपको सारा की चीज़ जितना ही प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन मिल जाएगा, और गाइज आप खुद भी देख सकते हो। तो गाइज आप फ्री फायर मैक्स में आने के बाद आप खुद भी देख सकते हो कि इधर भी वही सिचुएशन है, मतलब हमारा क्या हुआ है तो दिखा देता हूँ आपको। टॉपअप में भी बिलियन हो गया है और इंडियन रुपीज नहीं हो रहा है, और उसके साथ इधर बॉक्स में भी ऐसा हो गया है। तो गाइज सिंपल सी चीज़ है, आपको बस कुछ नहीं करना है भाई, फ्री फायर मैक्स लॉगिन करना है और उसके बाद आपको अच्छा खासा नेटवर्क लेके आना है, मतलब जैसे कि हमारा एयरटेल चल रहा है उसका थोड़ा नेट स्लो हो गया, तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा दूसरे मोबाइल से जैसे भी करके एक हॉटस्पॉट लेके इधर वाईफाई में कनेक्ट करना है। और उसके बाद गाइज आप देख सकते हो कि आपका सारा पैसा इंडियन रुपीज में दिखाएगा, और गाइज आप टॉपअप भी ले सकते हो और उसके साथ इतना ओपी वाला अच्छा खासा मतलब इलाइट पास भी ले सकते हो। और गाइज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि हॉटस्पॉट लेके भी हमारा मतलब कैसे आप हॉटस्पॉट लेके वाईफाई ऑन करके आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ। तो गाइज चलिए वीडियो का लास्ट तक देखना। तो चलिए गाइज देखते हो अभी कैसे आप वाईफाई कनेक्शन करके हम रुपीज कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन। तो गाइज आप जैसे भी देखोगे वाईफाई कनेक्ट करके कि या अच्छा खासा नेटवर्क जाके नेटवर्क को थोड़ा स्पीड करके या किसी को कॉल करके, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा कि देखो गाइज अभी आपको टॉपअप मतलब रुपया सब कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन रुपीज में। और गाइज आप अच्छा खासा टॉपअप भी मार सकते हो जितने पैसा है आपके पास, और इलाइट पास भी ले सकते हो और सारा टॉपअप इवेंट भी क्लेम कर सकते हो। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक कर देना। और गाइज चलिए अभी टॉपिक में आते हैं, हमारा क्या करने है नेक्स्ट टाइम। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर कर देना, लाइक करने के लिए मत भूलना गाइज। तो गाइज बाय बाय ऑल और लव यू ऑल, और गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलोगे अच्छा खासा कंटेंट लगे। और गाइज बाय बाय, लव यू।